नमस्कार, नवजीवन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नौटियाल। अगर आप भी पेटीएम आईपीओ का इंतजार कर रहे हैं तो ये इंतजार आपका जल्द खत्म होने वाला है। अगले महीने यानी 8 नवंबर को आईपीओ निवेश के लिए खुल जाएगा। इसमें पेटीएम रिकॉर्ड कायम करने वाला है। आपको बता दें, पेटीएम भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा आईपीओ लेकर आ रहा है। इससे पहले कोल इंडिया सबसे बड़ा आईपीओ थी। कोल इंडिया ने 15,000 करोड़ रुपए बाजार में लगाए थे। वहीं पेटीएम के आईपीओ की बात करें तो करीबन 18,300 करोड़ रुपए ये कंपनी मार्केट में लेकर आ रही है। इसके अलावा हम आपको इस वीडियो में उन 5 बड़ी कंपनियों के बारे में भी बताएंगे जिनका रिकॉर्ड पेटीएम ने तोड़ दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि विजय शेखर शर्मा ने साल 2000 में पेटीएम की स्थापना की थी। 2010 में कंपनी ने मोबाइल रिचार्जिंग सर्विस की शुरुआत की। उसके बाद से कंपनी ने लगातार अपनी सर्विस के दायरे का विस्तार किया और वर्तमान में पेटीएम ऐप की मदद से होटल बुकिंग, ट्रेन, प्लेन का टिकट समेत हर काम किए जा रहे हैं। आपको बता दें, पेटीएम का 18,300 करोड़ रुपए का यह आईपीओ देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। अभी तक ये रिकॉर्ड कोल इंडिया लिमिटेड के पास था, जो साल 2010 में 15,000 करोड़ रुपए के आईपीओ के साथ मार्केट में उतरी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड का आईपीओ 8 नवंबर को खुलेगा। 10 नवंबर इसकी आखिरी तारीख होगी। शेयर बाजार में इसकी लिस्टिंग 18 नवंबर को हो सकती है। इस कंपनी पर दुनिया के दिग्गज निवेशकों का भरोसा है। चाइनीज बिलियनियर जैक मा की कंपनी एंट फाइनेंशियल ने इसमें भारी भरकम निवेश भी किया है। इसके अलावा अलीबाबा सिंगापुर, एलिवेशन कैपिटल का 3 फंड, सॉफ्ट बैंक विजन फंड और बीएच इंटरनेशनल होल्डिंग्स ने भी इस कंपनी में निवेश किया है। मार्केट के जानकारों के माने तो अनलिस्टेड मार्केट में पेटीएम इस समय 3300 से 3400 रुपए के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पेटीएम काफ़ी नाजुक स्तर पर कारोबार कर रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि पेटीएम के आईपीओ का प्राइस बैंड अनलिस्टेड मार्केट में चल रही कीमतों से कम होगा। अगर ऐसा होता है तो पेटीएम की अनलिस्टेड कीमत में गिरावट देखने को मिल सकती है। इन सब के बीच आपको उन 5 बड़ी कंपनियों के बारे में बताते हैं जिनका रिकॉर्ड अब पेटीएम तोड़ने जा रहा है। पेटीएम आईपीओ से पहले सरकारी कंपनी कोल इंडिया ने अक्टूबर 2010 में 15,475 करोड़ रुपये आईपीओ से जुटाए थे, जो सबसे बड़ा आईपीओ था। तीसरे नंबर पर रिलायंस पावर आती है। धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस पावर ने जनवरी 2008 में आईपीओ के जरिए 11,560 करोड़ रुपए जुटाए थे। चौथे नंबर पर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। इस सरकारी कंपनी ने आईपीओ के जरिए अक्टूबर 2017 में 11,373 करोड़ रुपए जुटाए थे। वहीं पाँचवें नंबर पर न्यू इंडिया इंश्योरेंस है। सरकारी इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस का आईपीओ नवंबर 2017 में आया था। कंपनी ने आईपीओ के जरिए कुल 9,600 करोड़ रुपए जुटाए थे।